हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। ये नोटिस रिलेटेड है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली से। यहाँ पर यूजी, पीजी एंड पीएचडी के लिए आवेदन स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली जो कि सेक्टर 14 द्वारका न्यू दिल्ली में है, एडमिशन अनाउंसमेंट 2025 एंड 26। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस ऑनलाइन मंडे 18 नवंबर 2024 है। एप्लीकेशन की लास्ट डेट, एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे आपके 28 नवंबर को, और डेट ऑफ AILET कब है आपका, 8 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होगा 2 बजे से लेकर 4 बजे तक। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली इस्टेब्लिश्ड इन 2008 बाय एक्ट नंबर 1 of 2008 ऑफ दिल्ली इज़ अ प्रीमियर लॉ यूनिवर्सिटी इन द कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली। द यूनिवर्सिटी इन्वाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड PhD प्रोग्राम फॉर अकेडमिक ईयर 2025-26। UG देख लेते हैं पहले। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, 10+2 में आपके 10+2 में 45% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप OBC हैं तो 42%, SC ST हैं तो आपके 40% मार्क्स होने चाहिए। BA LLB ऑनर्स करना चाहते हैं तो टोटल सीट 110 इंडियंस के लिए हैं और 10 सीट फॉरेन नेशनल्स और OCI PIO के लिए हैं। 5 सीट फॉरेन नेशनल के लिए, 5 OCI PIO के लिए, 110 इंडियन के लिए हैं। OCI PIO और फॉरेन नेशनल का कोई टेस्ट नहीं होगा, ठीक है, उनका AILET नहीं होगा, उनका बस 65% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, 10+2 में। BCOM LLB ऑनर्स, यहाँ पर 50+10 सीट है, 50 AILET मेरिट वालों के लिए, 5 फॉरेन नेशनल्स एंड 5 OCI PIO। तो इनको फॉरेन नेशनल OCI PIO को एग्जेम्प्टेड रखा है AILET से, 65% मार्क्स होने चाहिए। कश्मीरी माइग्रेंट्स ने सीट की मांग की है, 2 सीट की। अगर अभी ऐसा कुछ फाइनलाइज हुआ नहीं है, जैसा ही कुछ फाइनलाइज होगा, BCI का, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का निर्णय आएगा, तो उस टाइम यहाँ पर सीटें बता दी जाएंगी या अलाउ कर दी जाएंगी, ठीक है। बिफोर द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ऑल एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई एंड एक्सरसाइज द ऑप्शन, ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी अब देखते हैं UG वालों के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। LLM करना चाहते हैं तो 1 ईयर नॉन रेजिडेंशियल प्रोग्राम, तो LLB में या उसके इक्विवेलेंट डिग्री में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटी हो तो 50% मार्क्स आपके LLB या इक्विवेलेंट लॉ डिग्री में होने चाहिए। टोटल सीट 70+10 हैं, 70 AILET मेरिट वालों के लिए, 5 फॉरेन नेशनल, 5 OCI PIO के लिए। फॉरेन नेशनल OCI PIO एग्जेम्प्ट रहेंगे AILET से। एडिशनल सुपर न्यूमररी सीट, 1 सीट कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए है। जॉइंट मास्टर्स LLM इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, IP लॉ एंड मैनेजमेंट, नॉन रेजिडेंशियल, या इसमें क्या होनी चाहिए एलिजिबिलिटी, मास्टर इन लॉ LLM इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एंड मैनेजमेंट, 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर आप SC ST PWD हैं तो 50% मार्क्स। टोटल सीट 25 हैं और 10 सीट फॉरन नेशनल के लिए, 5 सीट फॉर ऑफिशियल ऑफ CGPD TM। सेकेंड मास्टर ऑफ आर्ट्स MA इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एंड मैनेजमेंट, ठीक है, इसके लिए 2 डिग्री आपके पास होनी चाहिए, कंप्लीटेड 2 बैचलर डिग्री इन सक्सेशन इंक्लूडिंग 1 इन द रेलिवेंट डिसिप्लिन, ठीक। कैंडिडेट कंप्लीटिंग अ 4 ईयर बैचलर प्रोग्राम विद ऑनर रिसर्च फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, तो मास्टर ऑफ आर्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एंड मैनेजमेंट के लिए एलिजिबिलिटी थोड़ा अलग है, ठीक है। बाकी 55% मार्क्स होने चाहिए, 50 SC ST और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, टोटल सीट 25 है, 10 फॉरेन नेशनल के लिए और 5 रिजर्व है CGPD TM। एडमिशन प्रोसेस
70% वेटेज आपका एआई एलईटी मेरिट का रहेगा, 15% आपका रहेगा जीडी का ग्रुप डिस्कशन का, और 15% का होगा आपका इंटरव्यू। ठीक है, फॉरेन नेशनल के लिए एकेडमिक जो वेटेज है 70% वो रहेगा, जीडी का 15 और इंटरव्यू का 15। बात करें पीएचडी की, पीएचडी अगर लॉ में करना चाहते हैं तो सीट अच्छी खासी है, 27 सीट है, 25 इंडियंस के लिए और 2 फॉरेन के लिए। 25 में 8 जेआरएफ वालों के रिजर्व है, एआई एलईटी के लिए 16 और 1 फेलोशिप वालों के लिए। ठीक है, 55% मार्क्स आपके एलएलएम और इक्विवेलेंट लो डिग्री में होने चाहिए और 50% एससी एसटी ओबीसी और जिसमें नॉन क्रीमिलेयर और डिफरेंटली एबल्ड ईडब्ल्यूएस के 50% मार्क्स बोला है। ठीक, पीएचडी इन सोशल साइंस जिसमें पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश है, 4 सीट हैं। ठीक है, यूजीसी जेआरएफ वालों के लिए वही 55% मार्क्स होने चाहिए मास्टर्स में, और 50 किनके होने चाहिए, एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर डिफरेंटली एबल्ड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। यूजीसी जेआरएफ कैंडिडेट एंड फॉरेन नेशनल आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एआई एलईटी। ठीक है, जिनका जेआरएफ क्लियर है वो उनको एआई एलईटी देना नहीं पड़ेगा। द यूनिवर्सिटी विल फॉलो द रिजर्वेशन पॉलिसी एज द यूजीसी रेगुलेशंस। द नंबर ऑफ सीट अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन विल बी नोटिफाइड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट इन ड्यू कोर्स इफ रिक्वायर्ड। टेस्ट सिटी कहाँ कहाँ रखी गई हैं, बेंगलुरु जो एआई एलईटी 2025 होगा आपका उसकी सिटी देख लीजिए, बेंगलुरु, बिलासपुर जो कि छत्तीसगढ़ में, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, कोचीन आदि। ठीक है, आप ये लिस्ट देख सकते हैं, गांधीनगर, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, गुवाहाटी, हैदराबाद, जबलपुर, जयपुर, जम्मू, जोधपुर, कानपुर, कोलकाता, कोटा, लखनऊ, मदुरई, मुंबई, नागपुर, पटना, पुणे, रायपुर, रांची, तिरुवनंतपुरम, शिमला, सिलीगुड़ी, वाराणसी एंड विशाखापट्टनम। अगर किसी सिटी में 100 से कम स्टूडेंट्स आवेदन करते हैं उसको रद्द कर दिया जाएगा, और आपने जो सेकंड और थर्ड प्रेफरेंस पर सिटी रखी है तो आपको वो अलॉट हो जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 3500 रुपये है, 2500 रुपये एससी एसटी और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए है, और अगर एससी एसटी बीपीएल कैटेगरी में आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन में, तो उनको एग्जेम्प्ट कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है, उनको कोई फीस देनी नहीं पड़ेगी। बाकी चीज़ों के लिए आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, नेशनल ऑल एडब्ल्यू यूनिवर्सिटी दिल्ली .in पर। लास्ट डेट फॉर सबमिशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की 30 अप्रैल 2025 है, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अंडर फॉरेन नेशनल ओसीआई पीओआई कैटेगरी, प्रोफेसर डॉक्टर रूही पॉल रजिस्ट्रार। तो इस वीडियो में हमने देखा है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली से रिलेटेड। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।